वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि इसमें गर्ल्स की कुर्तियाँ हैं, कमीज़ है और जो शर्ट्स है और फ्रॉक्स है, और इसमें सबसे छोटी 2 साल की बच्ची की भी एक मैंने ड्रेसेस का मैंने स्टिच किया है, वो भी इसकी वीडियो डिटेलिंग पूरी बताऊंगी और सारी डिज़ाइनिंग सिखाऊंगी। और सबसे पहले ये जो स्टार्ट होता है गर्ल्स का 6 से 7 8 गर्ल है और इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से की हुई है। इसमें फैब्रिक कॉटन है और डिज़ाइनिंग की हुई है, लेस लगाई हुई है और जो इस फैब्रिक के अंदर जो प्रिंट होता है, जो एक छोटा सा बॉर्डर होता है, उसको मैंने नेक पे दिया और उसके ऊपर छोटा सा गोटा लगाकर उसके ऊपर मैंने लेस लगा दी और वही मैंने इसके ऊपर जो बॉर्डर था वो स्लीव पर लगा दिया और उसके आगे स्लीव पर मैंने लेस लगा दी और ब्लैक कलर से पाइपिंग दे दी। इसमें हल्का सा ब्लैक आ रहा था तो बॉर्डर में, इसलिए मैंने इसमें ब्लैक दे दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कौन सी शर्ट ज़्यादा पसंद आई है। बैक साइड है और ये सेकेंड कुर्ती है जो 5 से 6 साल की है और इस पर भी डिज़ाइनिंग की हुई है, थोड़ी डिफरेंट समोसे लगाए हुए ब्लैक कलर में और सेम वही लेस लगाई हुई है मल्टी कलर की और वो समोसे के ऊपर पट्टी प्रिंटेड की जो होती है उसके ऊपर गोटा लगाया हुआ है। यहाँ स्लीव में भी इसको दो गोटे की पट्टियाँ लगाई हुई है, पतली वाली जो गोटे पट्टी मिलती है और लेस लगाई है। और ये बैक साइड था और वहाँ पे सिर्फ बटन लगाया है बैक साइड पे। और ये है 5 से 6 ईयर्स की बच्ची का। अब है ये 18 से 2 साल की बच्ची का, यानी कि ये प्रिंटेड लॉन है फैब्रिक। इसमें सिंपल सी कुर्ती बनाई है, इसके चौक भी खुले रखे हुए हैं और यहाँ पर इस पर बॉर्डर लगा कर उसके ऊपर लेस लगा दी है। बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है ये डिज़ाइन मुझे। और अक्सर कपड़ों में से पीसेस बच जाते हैं जो छोटे से गर्ल्स के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। और ये इसका बैक मैंने बनाया है सिंपल, इसे बटन लगाना है और ये इसकी स्लीव है और सिंपल मैंने इसके गला भी सिंपल सा रखा हुआ है क्योंकि समर का है तो इसलिए। और ये इसका समझ ले ट्राउज़र या इसकी शलवार जो बहुत छोटी सी थी। अगर आपको इसकी ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो आप वीडियो चाहिए तो मैं इसकी ट्यूटोरियल बना के आपको मेजरमेंट साइज़ बता दूंगी। और ये है 5 से 6 ईयर गर्ल्स का, इसका भी लॉन का फैब्रिक है और ये भी कट पीस जो होते हैं जिसमें पीस बच जाते हैं। इसके यहाँ पर हुआ इस तरह से था, यहाँ पर 2 फ्रंट आगे के जिस पे मैंने गोटा लगाया हुआ है वो बिल्कुल अलग अलग सेपरेट पीस थे तो मैंने इसके साथ गोटा लगा के दोनों को ज्वाइन कर दिया, इसलिए आगे का फ्रंट बन गया था। और ये भी 5 से 6 ईयर 5 से 6 साल की बच्ची का है जो बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा था मेरे पास और बस इसकी ये विथ थी। विथ के साथ मैंने सिर्फ इसकी शोल्डर इसकी कटिंग करके, इसकी स्लीव कटिंग करके, इसके वेस्ट में मैंने इलास्टिक डाल दिया और सिंपल सी इसकी यानी कि चुंटे बन गई इलास्टिक की वजह से। और सिंपल बस इसकी स्लीव लगाई, इसकी नेक पर मैंने पट्टी मोड़ दी है। और ये समर में पहनने के लिए बहुत कंफर्टेबल कपड़े हैं बच्चों के लिए। आई होप आपको ये मेरी सिंपल सी डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो। किसी में लेस लगी हुई है, किसी में लेस नहीं लगी हुई है, इसमें कोई लेस नहीं लगी हुई है, इसमें बटन भी नहीं लगाया मैंने सिंपल। और एक ये मेरे पास सिल्क का फैब्रिक था कुछ इस तरह से, मेरे पास कट पीस में था, ये भी मैं कह रही हूँ सारे कट पीस के कपड़े रखे हुए हैं। उस पर मैंने 2 3 कलियाँ डाल के, ये 1 2 3 3 कलियाँ डाल के मैंने इसकी घेर बना दी और उसके नीचे मैंने लास्ट में गोटा लगा दिया और यहाँ पे गोटा लेस लगा दी कुछ इस तरह। और ये भी है 7 से 8 ईयर्स गर्ल्स की और इसमें मैंने पिंटेक्स वाली फ्रॉक बनाई है जिसमें मैंने 1 1 इंच करके प्लेटें डाली है जो अंदर की तरफ है और 6 हैं वो, और उसके ऊपर 3 पल लगा दिए हैं मैंने। पल और भी लगाने थे पर इतना मुझे टाइम नहीं मिला और बस मैंने इसके ऊपर ब्लू कलर का फैब्रिक लेकर इसके ऊपर नेक बना के ऊपर से जॉइंट कर दिया। और इसकी विथ भी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि ऊपर इसकी, और ये इसका ये इसकी स्लीव है जिस पे मैंने चुन्नटे दे के पल लगा दी थी इस तरह। और ये इसका बैक है जहाँ पे आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे बटन लगाए, मैंने यहाँ पर इसी की जो नेक की पट्टी मोड़ी थी उसी को एक्स्ट्रा लेकर यहाँ पर मैंने इसकी डोरी लगा दी ताकि वो काफ़ी कम्फर्टेबल रहता है जब अगर आपके पास बटन ना हो तो। इस
आप चाहे तो ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो स्लीव में लगाया है, आप चाहे तो पूरे नीचे इसके फ्रिल बना के भी लगा सकते हैं। और ये भी है इन लॉन का फैब्रिक, और ये भी कट पीस था जो बचे हुए पीस होते हैं। उसके साथ मैंने इसकी नेक बनाई है आगे से कट करके, लेस लगा के अंदर एक फैब्रिक लगाकर और इसका गला सिंपल सा बना दिया। आप चाहे तो इसको फ्रंट साइड पे बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने मेजरमेंट करके अपने हिसाब से बना दिया था। और ये इसकी नीचे लेंथ छोटी थी तो मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक था, तो मैंने इसकी फ्रिल करके नीचे घेर वाली चुन्नट डाल के कपड़ा डाल दिया है। और ये बैक से भी इसकी यानी कि वेस्ट से कटिंग किया हुआ है। ये भी मेरे पास 3 स्ट्रैप कटिंग किए हुए कपड़े थे जो कट पीस में थे। अक्सर कट पीस के इस तरह से डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छे घर पे आप बना सकती हैं और अफोर्डेबल भी होते हैं। लेसे भी एक्स्ट्रा रखी हुई होती है, इसलिए कम बजट में बहुत अच्छे डिज़ाइनिंग हो जाती है। और ये भी 7 से 8 साल की बच्ची का है, और ये भी फैब्रिक लॉन में है। और इस पे मैंने सिंपल, बहुत सिंपल था, इस पे भी मैंने लेस लगाई है जो मेरे पास रखी हुई थी। और गोटा बहुत इजी मिल जाता है हर जगह से, और मैंने इसकी जो शोल्डर की साइड होती है वहाँ से लेके नीचे तक इसकी गोटा लगा दी। और नेक तो बिल्कुल सिंपल सी पट्टी जिस तरह से मोड़ते हैं उस तरह से नेक की पट्टी मोड़ कर मैंने ऊपर से बस गोटा लगा कर, और यहाँ पे सारा गोटा मैंने यहाँ नीचे तक लेके गई हूँ। और इसकी कोई कली नहीं है, ये कटिंग है इस तरह से क्या हुआ है, एयरलाइन की तरह इसकी कटिंग की हुई है। और आप चाहें तो नीचे और भी डिज़ाइन कर सकते, लेस भी लगा सकते हैं, मैंने सिर्फ गोटा लगाया है नीचे लास्ट में। और इसका बैक साइड पे मैंने सिंपल कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ स्लीव पे रखा हुआ है, स्लीव पे हल्का सा गोटा लगाया था और एक बटन लगा दिया है बैक साइड पे। और ये देख लें आप, यहाँ पे कोई कली नहीं है। यहाँ पर इसका वन पीस कपड़ा था जिसको मैंने एयरलाइन की तरह कटिंग की है इस तरह से, और ये लग इस तरह रहा है जैसे मैंने इसकी कलियाँ कटिंग करके लाई हुई है। ये इसकी लेस और ये इसका नेक। और ये भी 7 से 8 साल की बच्ची का है, और ये कलियों वाला फ्रॉक है। इसकी वेस्ट की बॉडी जो वेस्ट का जो कपड़ा है वो अलग मैंने ज्वाइंट किया था, और इसमें कलियाँ डली हुई है। और ये पहनावा वेयर किया हुआ बहुत अच्छा लगता है। इसमें 4 कलियाँ हैं बैक और फ्रंट में, चारों कलियाँ। और इसकी ट्यूटोरियल भी सारी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप मेरे चैनल को विज़िट करके वहाँ पे ट्यूटोरियल देख सकते हैं। और ये सारा इसका, ये सब इसका बैक है। और ये अब है, ये भी 7 से 8 साल की बच्ची का, और ये भी अम्ब्रेला फ्रॉक है। इसकी कमर अलग से इसके साथ जॉइन की हुई है अम्ब्रेला, और इसका सिंपल सा नेक बना हुआ है जो पट्टी के साथ। लॉन फैब्रिक है सिंपल, मैंने आपको कहा कट पीस के कपड़े हैं, कोई इसमें वो एक्स्ट्रा नहीं है जो हम ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रखे हुए होते हैं सबके पास। और सिंपल थोड़ी सी मेहनत में आप इतना अच्छा अच्छा डिज़ाइन अपनी घर बैठे अपने के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं कपड़े। तो उम्मीद है आपको मेरी डिज़ाइनिंग वीडियो अच्छी लगी है। कुछ डिज़ाइनिंग सिंपल है और कुछ डिज़ाइनिंग वाले फ्रॉक थे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।